एज अबव ए क्वेश्चन, ये तो हमने यहां तक कंप्लीट कर दिया है। तो z इज इक्वल टू दी वन इज ए पोल ऑफ ऑर्डर टू, तो रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू दी वन, तो r1 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू वन, वन अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस वन, ऑर्डर कितना है टू है, तो टू माइनस वन डी टू माइनस वन अपॉन डी जेड की पावर टू माइनस वन, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर जेड प्लस टू। तो इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में देखिए, मैं इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल है उसको मैं दिखा रहा हूं, तो ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। इससे पहले वाला नुमाइकल जा देख लीजिए एक बार। देखिए ये नुमाइकल था डिटरमाइन द पूल्स एंड रेसिड्यू एट द पूल। तो हमने पिछले टर्न पे ये नुमाइकल कराया था कि z इज इक्वल टू वन इज ए पूल ऑफ ऑर्डर टू, तो इसका 5/9 निकलता है, यानी z स्क्वायर अपॉन z प्लस 2 को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। तो इस तरीके से फिर आप z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 5/9 आ जाएगा। और नेक्स्ट था माइनस 2 जो है सिंपल पोल है, उसका कोई ऑर्डर काम खत्म पढ़ाई बन। तो रेसिड्यू एट z इज योर माइनस 2, तो लिमिट z टेंड्स टू माइनस टू z माइनस माइनस टू z स्क्वायर अपॉन z माइनस वन का होल स्क्वायर z प्लस टू। तो इस तरीके से z की वैल्यू माइनस टू हम पुट करेंगे तो 4/9 आ जाएगा। और ऊपर दोनों फार्मूले लिखे भी हैं, सिंपल पोल का भी लिखा है और ऑर्डर n का भी लिखा है। तो इस तरीके से ऑर्डर टू पे जो पोल आता है, जो रेसिड्यू आता है वो 5/9 है, और माइनस टू पे जो आपका रेसिड्यू आइए वो 4/9 है। तो ये चीज हमने निकाल लिया। अब देखिए तो यहाँ पे यूजिंग जितने भी पोल हैं उनके सारे हम क्या करते हैं, रेसिड्यू को ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा यूजिंग कॉची रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर जेड प्लस टू डी जेड इज इक्वल टू दी टू पाई आई इन ब्रैकेट सम ऑफ रेसिड्यू एट द पोल्स विद इन सी। तो विद इन सी में दो ही पोल हैं आपके, एक है 5/9 दूसरा 4/9 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 2πi आ जाएगा। ये जो आपने सर्किल बनाया, ये पिछले टर्न पे ये पूरा न्यूमेरिकल किया, आप देखिए लास्ट पेज था। तो ये न्यूमेरिकल देखिए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। ऊपर स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है रेसिड्यू थ्योरम का। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए और न्यूमेरिकल देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बताइए आप हमको। सर एक बार फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा। देखिए जो पिछले टर्न पे जो हमने रेसिड्यू निकाला था वो आप देखिए लास्ट पेज, यानी पोल की डिफिनेशन पहले देखिए। जो मैंने पोल की डिफिनेशन बताई थी, पोल की डिफिनेशन ये बताई थी कि जो भी आपके प्रिंसिपल है वो आपका क्या प्रिंसिपल पार्ट जो है फाइनाइट हो, ठीक है, और उस पे जब आप z की वैल्यू a पुट करेंगे तो अगर वो इंफिनिटी आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेसिड्यू हो जाएगा, जैसा कि पिछले टर्न पे बताया था। तो एक न्यूमेरिकल सिर्फ यही न्यूमेरिकल था, उसको हमने लास्ट में बताया था कि हम कैसे रेसिड्यू निकालते हैं, ठीक है। उसके दोनों फार्मूले भी हैं, और इस ये जो थ्योरम है कॉची रेसिड्यू थ्योरम की, ये तो वो थ्योरम है कि
कि जितने भी पोल हैं उनके रेजिड्यू को ऐड कर देना है, यानी 2πi सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल्स विद इन सी, यानी सी का मतलब है जो भी सर्किल है उसके अंदर के जो पोल है उनके जो रेजिड्यू आप निकालेंगे, जो बाहर के हैं लेकिन यहाँ पे दोनों अंदर के ही हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने कहा है मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू दी 3 लिखा है, तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू दी 3 का मतलब हो गया उसकी रेडियस कितनी है, 3 है, अंडर रूट 3 है भाई। जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू दी आर, वे आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड ए इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड हेयर मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 3, इट मीन्स दैट सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज 3। तो यहाँ पे जेड माइनस वन यानी जेड इज इक्वल टू 1 और जेड इज इक्वल माइनस 2 ये रेडियस के अंदर हैं, तो इनके हमने रेजिड्यू निकाली है, उनको ऐड कर दिया है, तो 9/9 कैंसिल होके 1 आ गया, यानी 2πi आ गया है। यानी इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है आप अगर रेजिड्यू से निकालेंगे तो आसान रहेगा, लेकिन इसके मेथड और भी हैं, पिछले उसमें भी बता चुके हैं। तो इस नोमेरिकल में देखिए कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, और नहीं है तो हम आगे बताएं। कहां पे प्रॉब्लम है वो बताइए हमको। अच्छे से देखिए, और पिछला वाला जो क्वेश्चन है लास्ट पेज वाला उसको जरा एक बार देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है। जी सर। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताएं। ये सर आगे वाला बताइए। आगे बताएं। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द पोल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड रेजिड्यू एट ईच पोल सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू दी जेड माइनस 1/z+1 का होल स्क्वायर जेड माइनस 2 एंड हेंस इवेलुएट क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड वेयर सी इज द सर्किल मॉड ऑफ जेड माइनस आई इज इक्वल टू दी 2। अब मॉड ऑफ जेड माइनस आई इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या हो गया है इसका। अब देखिए आई है, आई का मतलब हो गया सेंटर, सेंटर है आपका आई, और आई को जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0+i, यानी इसका जो सेंटर होगा वो 0,1 है, और 0,1 का मतलब है वाई एक्सिस पे है 0,1, तो वहां से रेडियस आप ड्रॉ करिए, ठीक है। तो इस तरीके से वो जब रेडियस है 2 तो यहां से वाई एक्सिस के नीचे का 1 यूनिट चला जाएगा, तो इस तरीके से आपका जो सेंटर है वो 0,1 है और रेडियस है आपकी 2 है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे देखिए। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया था, आप देखिए वो हमने बनाया है, इसमें क्या था इसका जो था आपका मॉड ऑफ, ये है मॉड ऑफ जेड माइनस आई इक्वल टू, यानी इसका सेंटर हो गया 0,1, तो इसको देखिए वहां से सर्किल ड्रॉ किया है, तो ये एक्स एक्सिस पे
ये मॉड ऑफ z माइनस i इज इक्वल टू 2, तो रेडियस हो गई 2 और सेंटर हो गया 0,1, तो अब उसमें कौन से आते z इज भाई z प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू z माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इस तरीके से z इज इक्वल टू माइनस 1 और z इज इक्वल टू 2, ये आपके दोनों क्या है, ये पोल है। अब हमको ये देखना है ये पोल जो है सर्किल के अंदर है कि बाहर है, तो z इज इक्वल टू माइनस 1 is a pole of order 2, तो residue at z is equal to minus 1, तो हमने यहाँ पे residue निकाला है, आप इसको देखिए, सर आवाज नहीं आ रही है, value minus 1 upon 9, residue at z is equal to 2, hello, बिल्कुल नहीं आ रही है, सर बफर कर रही है, बफरिंग कर रही है, बफर हो रही बहुत ज़्यादा, रुक जाइए थोड़ा देख लेने जी, उसके बाद बोलिए। हेलो, यस सर अभी आ रही है, नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, सर बफर एक्टिवेट कर रही है, सर बफर कर, किस की जा रही है, एक मिनट एक, आवाज आ रही है, अभी भी बफर कर रही है, बीच में कट, नो सर क्लियर नहीं आ रही है, अच्छा अच्छा अभी देखते हैं, एक मिनट, अब आवाज आई है, सर अब और ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, नो सर क्लियर नहीं है, नो सर क्लियर नहीं है, अभी नहीं क्लियर, सब ज्यादा खराब हो, नो सर, नो सर।